पिंजरा, छोड़ दे पिंजरा, तोड़ दे पिंजरा, छोड़ दे पिंजरा, तोड़ दे पिंजरा, छोड़ दे पिंजरा, तोड़ दे पिंजरा, छोड़ दे पिंजरा, तोड़ के पिंजरा कहाँ से तू ताजी ताजी ले, तोड़ के पिंजरा कहाँ से तू ताजी ताजी ले, उठा निगाह आसमां पे फिर एक बाजी ले, उठा निगाह आसमां पे फिर एक बाजी ले, खुदा के घर करा रोशनिया, बाबू मनिया, बाबू मनिया, बाबू मनिया, ओ बाबू मनिया, वो आ गया सेक्रेटरी साहब, वो आ गया, वो फिर से वापस आ गया, ता 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 ता। कौन कौन आया, वो वापस आ गया, दिखता नहीं, ओ सेक्रेटरी साहब, ओ सेक्रेटरी साहब, अरे जल्दी चलो, वो फिर आ गया, अरे वो तो रोज आता है, चलो 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 चलो, ओ सेक्रेटरी साहब, चलो दरवाजा खोलो, कौन तौलिया गिर गया, ओ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब, ओ सेक्रेटरी साहब, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, अरे क्या है सुबह सुबह, अरे जल्दी चलो, वो फिर आ गया, सुहानी के घर, सुहा चल, अरे एक मिनट रुको, मैं जरा तौलिया बदल कर आता हूँ, आप लोग पहुँचो, आज तो उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे, अरे तौलिया में ही रहिए, बस दोनों हाथ से तौलिया मत छोड़ना, आज तो सुहानी के चक्कर को पकड़ कर ही छोड़ेंगे, हाँ बस तौलिया मत छोड़िएगा, तौलिया छूट जाए उसको नहीं छोड़ेंगे, चलो चलो, रुको रुको रुको, देखो अब वो दूसरी मंजिल का बटन दबाएगा, फिर एक मंजिल चढ़कर तीसरी मंजिल पर आएगा, वो जब भी आता है ऐसा ही करता है, दूसरी मंजिल पर कोई रहता नहीं है ना, उसका फायदा उठाता है, हाँ देखो 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 बटन दबाए, चलो चलो करो दूसरी मंजिल, चलो चलो मत जाना, चलो चलो तौलिया साथ निभाना, उतर न जाना, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, कहाँ गए, बह गए क्या, नहीं नहीं इतने में तो नहीं बह सकते, ये सुहानी मौसम जब से यहाँ पे रहने आई है ना, सबकी घंटी बचा दी है, आप तो छिपकली की तरह उतरते हैं। घर पे आओ, तुम्हें बताती हूँ। अभी वो इधर ही आएगा। हाथ तो रंगे हाथ पकड़ रहा है। बस आप तौलिया मत छोड़िए।
सुहानी के आशिक को हम दोनों पकड़ लेंगे। हाँ, हाँ। मैं भी पकड़ूंगा। अरे पहले तौलिया पकड़ूंगा। आओ तुम आओ, एक फेट मारूंगी ना। उसको पकड़ने के लिए हम दोनों काफी है। हाँ। चलो। आएगा आने वाला, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे पर वो कब आएगा? एक काम करते हैं, हम दोनों नीचे जाके देखते हैं और तुम सुहानी मैडम के घर में जाके देखो। चलो 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 चलो। सुहानी, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। छूट गया। सुहानी, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। सुहानी, कौन आया सुबह सुबह? सुहानी, नहीं 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 नहीं। गुड गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाभी जी, भाई से तो आप मिले नहीं हो। और भाभी जी, अब वो क्या है ना भाभी जी, भाई को तो कब से ढूंढ रहे हैं लेकिन भाई है कि मिलते ही नहीं। सेक्रेटरी साहब, लगता है आपके घर में पानी नहीं आया। नहीं है। आप मेरे बाथरूम में नहाना चाहते हो है ना? मैं नहा सकता हूँ। प्लीज आइए आइए, पड़ोसी किस दिन काम आएगा, आइए कोई बात नहीं। भाभी जी दरवाजा। एक फूल दो माली, दूसरा कहाँ है? अरे अरे बाथरूम उधर नहीं, वहाँ है। वाह वाह। चाहिए इधर भी नहीं है, किधर गया? बह गया क्या? नहीं, इतने में तो नहीं बहेगा। कहाँ गया तू, कहाँ गया तू? सोसाइटी में हंगामा कर दिया है। इतनी जल्दी ना लिया? हाँ, मेरा बस ऐसे ही जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा, तो मैं चलूं? आते रहिएगा। नहाने। नहाने। बाय 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 बाय। शर्म जैसा कुछ है या नहीं? मैं तो सिर्फ नहाने। क्या? चलो चलो घर पे चलो। अरे, अरे, अरे। पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? लेकिन आप पड़ोसन है। ओह, चलो। ऐसे कैसे? चलो चलो ना, चलो घर जाएगा, तुम्हें निकल जाएगा, धोती निकल जाएगा। अरे अरे मेरी इज्जत का सवाल है? नहीं नहीं नहीं, अरे पहलवान, अरे पहलवान, अरे मार मत, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं जाऊंगा, अरे नहीं समझे, पैर नहीं, तौलिए के साथ पैर नहीं, कैसा लगूंगा? नहीं नहीं मारो मत, अरे लगता है। सुनो, अब से घर में ही योग करना है वरना ऐसी हड्डी पसली करूंगी ना कि योग ही नहीं कर पाओगे। तभी मैं अरे कान नहीं, कानपुर की माँ, अरे तुम्हारा पूरा फैमिली कानपुर का है तो सबसे कान पकड़ोगे। वो सुहानी के चक्कर में ना, समझती हूँ मैं सब। चुप रहो तुम्हारा। जब से सुहानी आई घर में नंबर 303। अरे तुमको तो फुटबॉल बना के ऐसे किक मारूंगी, उछल उछल के कहाँ दियोगे ना, उसका पता ही नहीं चलेगा। आए कहीं के
अपने अपने हस्बैंड को निकाल लिया, अब मैं क्या करूं? उसको अंदर गए आधा घंटा हो गया। अरे अरे देखो वो अभी निकला। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या करूं, मेरा वाला भी उसके घर से ही निकला। जब से ये सुहानी मैडम हमारी सोसाइटी में आई है ना, तब से सोसाइटी के सारे मर्द उसके इतर भीतर ही निकलते हैं। अरे क्या बताऊं भाभी जी, उसके घर में तो सारे मर्द ही आते जाते रहते हैं। छी, कभी किसी औरत को जाते हुए नहीं देखा। मुझे भी नहीं बुलाती है। सही बात है। ये सुहानी चीज क्या है ना, ये मुझे जानना ही पड़ेगा। हाँ मैं तो छिपकली भी नहीं बन सकता। बच गया, मर गया। यहाँ पे और कोई मकान खाली है भाड़े पे? पूरी दूसरी मंजिल खाली है, लेकिन हम किसी अकेले पुरुष को मकान किराए पे नहीं देते। अकेले? तुम दोनों देखना, मैं तो उसको यहाँ से भगा के ही रहूंगी। हाँ सही बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से आ गई है ये बला। मेरे जैसे अकेले पुरुष को मकान नहीं देते और वो अकेली स्त्री को दे दिए। कहा तो उनके रस टपकते हैं। हाँ और दाल गलती नहीं फिर डाउट करते हैं। बोलो। हाँ हमारी हर सोसाइटी में लेडीज के साथ ऐसा ही होता है। मेरे जैसे अकेले पुरुष में उल्टा होता है, पहले से मकान देते नहीं, जैसे हम सोसाइटी में डोरा डालने आए हो। मर्द होते ही ऐसे है लफड़ेबाज। आपको नहीं कह रही हूँ। अरे ये विद्युत भाई को ही देख लो, अरे यहाँ रहने के लिए पूरा मकान ही खरीदना पड़ा। और वो अकेले पुरुष हमारे कितने काम आते हैं। क्या बात है। गोभी अकेले पुरुष ये लेडीज के बीच में क्या कर रहे हो? मैं कहाँ बीच में बैठा हूँ, मैं तो साइड में बैठा हूँ। तुम तो बोलो ही मत। हाँ। अकेली स्त्री के घर में क्या कर रहे थे? हाँ लगता है मकान मालिक को बोल के सुहानी को निकालना पड़ेगा। हाँ, हाँ, लेकिन मकान मालिक तो फॉरेन में है ना। हाँ। क्यों वहाँ पे फोन नहीं लगता? नहीं लगता है, लगता है। हाँ, लेकिन उनको दिल में चुभता है। नहीं 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 भाभी जी, यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, इसीलिए बोल रहा है। जिसने ये मकान किराए पे दिया है ना, उस ब्रोकर को फोन करके इसको निकालो। बीएचके साहब, औरत को आपने मकान दिया है ना, वो ठीक नहीं है। अरे एकदम ठीक ठाक तो है, खिड़की खोल के सुंदर है मगर उसका चरित्र सुंदर नहीं लग रहा। देखिए हम आधार कार्ड देख के मकान देते हैं, चरित्र देख के नहीं, खिड़की खोल के। और हाँ आप लोग समझ लीजिए, किसी का चरित्र ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप किसी के चरित्र पर एक उंगली उठाते हैं ना, तो आपकी और तीन उंगली उठती है। हाँ खिड़की खोल के। उंगली नहीं, अब तो हमारी बीवियों के हाथ उठने लगे हैं। उसे निकालो बस, निकालो निकालो। देखो भैया 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब तो उसे कोर्ट भी नहीं निकाल सकता, समझे? खिड़की खोल के। एक बात पूछूं, दरवाजा खोल के। पूछो पूछो। ये बीएचके भूमिलाल हसमुख लाल किराए वाला, वो तो समझे, ये आजकल 1 BHK कैसे हो गया? अरे वो है ना, अभी हमारा 50 कंप्लीट हुआ और 51 लगा, तो 1 BHK
एच के अच्छा तो अगले साल 2 BHK हो जाएगा, वो भी खिड़की खोल के। 2 BHK टीवी मारेगी खींच के। हम उसको रंगे हाथों तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब उसको रोकने की कोशिश करो। देखो मुझे क्या लगता है, क्या लगता है मतलब के मैं ऐसा सोचता हूँ क्या? नहीं नहीं मतलब के मुझे ऐसा लगता है। अरे अरे लगता है सोचता है बोलना भाई। वही कि हम खामखा उसके कैरेक्टर पर डाउट करते हैं। अरे क्या बोल रहा है ये, कुछ चरित्र भी, तो कुछ आपका भी कुछ ठीक नहीं है। सुहानी आ गई क्लब हाउस में दारू। चलो मेरे लिए भी एक पैक बनाओ। हमारा चरित्र, हमारा जीवन चरित्र ही आपके आने के बाद बिगड़ा है मैडम। वैसे रात के 12:30 बजे कहाँ से आए? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। लाइटर है? जब खूबसूरती निकलती है बाहर। लाइटर ले लीजिए। अरे मेरा भी लो ना। अरे ऐसे कैसे? जाने दो, नसीब नहीं। वैसे आपका चरित्र सच में ही गिरा हुआ है। गिरे हुए तो आप हो। सिगरेट और शराब से चरित्र मापते हो? तुझे कहा। और दरवाजे से चरित्र जांचते हो? ये इसने मुझे कहा। अब तेरी बारी। वो गिरे हुए इंसान आ गई। जल्दी से पैक बना वरना अभी तेरी बीवी आ जाएगी। बीवी नहीं 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 तैयार है पैक। बीवी नहीं, ये लीजिए। बीवी को मत बोलना प्लीज। बीवी को मत, लेकिन बीवी को बात नहीं। चीयर्स गाइस, चीयर्स। यस, एक मिनट, बीवी को मत बताना। अब आने वाला है मजा। विद्युत, विद्युत लाल ने क्या तस्वीरें खींची है। सब फंसने वाले हैं। ये सेक्रेटरी साहब भी क्या क्या चिपकाते रहते हैं। लगता है सेक्रेटरी साहब पूरी दीवार भर देंगे हमें। क्या जागते रहो? अबे क्यों हमें रुकता है? लकड़ी छोड़ा टूट जाएगी, लकड़ी छोड़ दो। रुकता है तू हमें? अरे हम बंसीलाल है, बंसीलाल कानपुर से आए हैं। हमारी बिटिया यहाँ रहती है, हम तो अंदर जाएंगे ही। कैसे रुकता तू हमें देखता हूँ। अरे यहाँ का रूल्स है, रात को 12 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं जा सकता। तेरे रूल्स की तो ऐसी तैसी। कौन है तेरा सेक्रेटरी, कौन है? बुला उसको, खींच के दूंगा। एक कानपुर से आए हम, उसको मारूंगा खींच के कान के नीचे। अरे आप कानपुर से आए हो तो कान खोल के सुन रो, 12 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं जा सकता। ओ लगता है तुझे भी कान के नीचे खींच के देनी पड़ेगी। अरे मैंने कहीं को मारा है, मुझे जाने दो अंदर। अरे लकड़ी छोड़ दो, मैं मेरे घर चला हूं। यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? अरे मेरी बीवी मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रही है। और बार बार मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी ऐसी धमकियां दे रही है। अरे ऐसी धमकी तो मेरी बीवी भी देती है। अरे मेरी बीवी भी ऐसी धमकी देती है। ये जरा सोचो, अगर हमारी बीवियां चली गई तो हम सब लोग अकेले पुरुष रह जाएंगे। क्या करें,
एक अकेली स्त्री और देर सारे पुरुष अब अकेले होने वाले हैं। कैसे? अब ऐसा ही होगा इस सोसाइटी में। कल रात की चरित्र वाली तस्वीरें मैंने हर एक के घर में डाल दी है। क्या? घर में? घर में? ये रही चाबी। चाबी? ये लो। चाबी? चाबी? मैं जा रही हूँ। आपकी बीवी आ रही है। तीन बंदर यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट होता है क्या? नहीं होता, लेकिन हमारी सुहानी जी कर रही हैं सोसाइटी के कैरेक्टर के ऊपर। आज उनका ये पहला थीसिस था। उनके हर अगले थीसिस को मिलते रहेंगे। तब तक बाय बाय। हाँ याद आया, वो भाई कौन थे? वो भाई थे उनके पीएचडी के आशीष टैंड। अभी भी डाउट है?